दोनों पैसेंजर्स ने मुझे 5-star रेटिंग दी. इट वॉज अमेजिंग. It was bad. One ride was really bad. So, जैसा आपको बताया कि मैंने Uber Eats फिलहाल के लिए तो क्विट कर दिया है. So that's why I thought कि एक नई जॉब ट्राई करते हैं. That is none other than Uber driving. मुझे पता है पंजाब से US कनाडा में काफ़ी लोग Uber ड्राइव करते हैं, टैक्सी ड्राइविंग करते हैं. एंड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड प्रोफेशन. लोग एक दिन में $1,000 कमाते हैं. एंड मैंने प्रमोशंस भी देखी थी दैट यू कैन मेक अबव $200,000 इन सम केसेस वाया Uber टैक्सी ड्राइविंग. इज इट ट्रू? लेट्स फाइंड आउट. आज एड शीरन के कॉन्सर्ट के कारण पूरा अटलांटा भरा पड़ा है. तो गाड़ी के पास जाते हैं. स्टेप वन, GoPro अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. So getting out of the garage, भाई यहाँ पे लोग walk बहुत करते हैं. garage से निकलने में मुझे बहुत डर लगता है. garage से निकलते ही pedestrians बहुत होते हैं. So you have to be very careful. Slowly come out of the garage. ये देखो pedestrians आ गए. ये Ed Sheeran वाले लोग हैं सारे घर के बाहर. भाई जल्दी जाओ. देखो कितना ध्यान से निकलना पड़ता है garage से. It's an intuition कि यार सीधा निकल लो बाहर. Being a pedestrian myself, मुझे अब आदत ही हो गई है कि यार कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. बहुत स्लोली जितना गाड़ी को प्यार से चलाओगे उतना गाड़ी आपको बाद में बैक प्यार देगी. नाउ टाइम फॉर GoPro. यहाँ से वैक्यूम करने में बड़ा टाइम लगा यार. ये बड़ा ही मुश्किल सेटअप था GoPro का, क्योंकि अगर किसी ने मेरे पे अटैक किया अभी. ये यार दिन का टाइम है, दिन में होपफुली मेरे पे कोई अटैक नहीं करेगा यार मुझसे. मतलब गन रख के कोई कोई मेरी गाड़ी नहीं छीनेगा. डर लगता है ऑब्वियसली, पर ये होता है बहुत और हो सकता है रात को. तो इस कारण रात को मैं Uber नहीं करने वाला. अभी दिन में करके देखते हैं हाउ सेफ आई फील. डिपेंडिंग ऑन आई चूज टू कंटिन्यू डूइंग Uber. स्टेप वन इज GoPro डन. दूसरा स्टेप है आपकी बैकग्राउंड चेक. जब आप अपनी Uber ड्राइवर ऐप इंस्टॉल करते हो, आपकी बैकग्राउंड चेक को 24 आवर्स भी लग सकते हैं, 72 आवर्स भी लग सकते हैं. आपके पास 1 साल की ड्राइविंग हिस्ट्री होनी चाहिए US में. और मुझे अप्रूव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा लकीली, पर काफी लोगों को 2-3-4 दिन लग सकते हैं. आई वॉज लकी. इट्स गोना बी लॉन्ग राइड. Were you born here or did you come from like somewhere else? No, I'm originally from India and I've been living here from the last 7 years. I graduated and then started. Oh, okay. That's awesome, man. Are you like a back-end coder or? Yeah. Yeah? I am. I didn't be... I only said that because my other friend did the same. Like she got a work visa and she became a back-end coder and that's how she got to the States. But yeah, I feel it. I'm trying to get into IT too, but I want to get into more cybersecurity stuff. Oh, sure. Yeah, it's a one way. Yeah, yeah, this is perfect. Yeah. Awesome. Yeah. Awesome. Sure. Have a great day. Hey, thank you so much. Yeah. Take care, man. Yeah, pleasure as well. Be safe, man. Yeah, you too. And don't do anything bad. Yeah, see you. Yeah, you too. Bye. Thank you. So I'm gonna say 5-star. Everyone was wearing seatbelt. So I'm gonna rate the rider. एंड रेट करने के बाद एक और पिकअप होगा. देखते कैसा एक्सपीरियंस जाता है नेक्स्ट पिकअप के लिए. ओके, अब $12. अब ये है, ये काफ़ी लंबी ट्रिप है यार. 11 माइल आधे घंटे की. अभी रुक जाते हैं यार, अभी रुक जाते हैं, ले लेते. चलो यार, पिकअप पास ही है. फर्स्ट राइड वॉज इनक्रेडिबली स्मूथ. दे हैड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. मुझे, मैंने सोचा नहीं था कि यार इतनी फन राइड होगी. तो यार दो ही पिकअप करते हैं, दूसरे के बाद मेरी बस हो जाएगी. बट मैं काफ़ी नर्वस था, पर दे वर वेरी कामिंग. फ्लोरिडा से थे वो लोग एंड दे हैड ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. मुझे काम कर दिया. यूजुअली ड्राइवर का फर्ज होता है कि यार पैसेंजर को इंगेज करो, वो मुझे इंगेज कर रहे थे. तो दैट वॉज द फन पार्ट अबाउट माई लास्ट Uber राइड. अब देखते हैं सेकेंड राइड कैसे जाती है. मैंने कितने पैसे कमा लिए अभी तो मतलब चेक करने में टाइम लगेगा. आई थिंक शायद टिप के बिना तो अभी $4 कमाया. टिप के बाद में पता चलेगा. 1-2 घंटा कर लेते हैं आज. होपफुली एवरीथिंग इज ओके. Uber का मैप्स बहुत घटिया है. ऑलवेज यूज गूगल मैप्स एवरीवन. एक तो यहाँ पे ट्रैफिक इतना है. आई थिंक इट्स गोना टेक मी सो लॉन्ग टू पिक हर अप. लेट्स सी. So I'm waiting for my next pickup at Georgia State University. अभी पिछले 2-3 मिनट से कोई पिकअप नहीं मिला. पहले मिड टाउन में था, वहाँ पे आ रहे थे. यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट्स नहीं है बिकॉज ऑफ समर. तो देखते कितना टाइम लगता है मुझे पिकअप के लिए. ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है आज. गूगल मैप्स मुझे मैसअप कर रहा था गलती ने. अच्छा हुआ पैसेंजर ने मुझे कैंसिल कर दिया बिकॉज इट टुक मी सो लॉन्ग टू फिगर आउट. तो कोई बात नहीं, यहाँ रुकते हैं, यू टर्न लेते हैं और किसी और को पिक करेंगे. अब
गुड न्यूज दोस्तों, मुझे पिछली डिलीवरी के अभी 5-star रिव्यूज मिले. पहला पिकअप डिलीवरी नहीं, नेवर माइंड, इट वॉज अ पिकअप. पहली उबर एक्स डिलीवरी एंड 5-star रेटिंग. रियली हैप्पी अबाउट इट. मैं वैसे भी ग्रीन हूँ, तो मैं उबर ग्रीन हूँ बिकॉज माई हैव इलेक्ट्रिक कार. तो मुझे उबर ग्रीन कैटेगरी में $1 एक्स्ट्रा मिलेगा हर पिकअप का. और दूसरी बात कि जब मैं डिलीवरी भी कर रहा था तभी मैं ग्रीन था, क्योंकि साइकिल को भी ग्रीन माना जाता है, ई बाइक को या कोई भी साइकिल हो, तो ग्रीन में थोड़ा पैसा ज्यादा मिल सकता है. Sorry, forgive my oldness. Okay. No, all good. Awesome, thank you. Sure. So, how's your day going? How's everyone's day going? Good. Oh, would you like to listen to some kind of music? Any preferences? Doesn't matter. Okay. Dealer's choice. Sorry? I said dealer's choice. Whatever you want to listen to. Okay. And are you originally from here, Atlanta? Yeah, not too far, like 30 minutes from here. Nice. There's a lot of traffic this weekend because of Ed Sheeran concert and MomoCon. Yeah. A lot of people coming here. And do you all like Atlanta or? But it's really convenient to go to work being in downtown. But there was recently mass shooting, and like we were trapped in the building for 3 hours. Okay. They were like the whole midtown. Yeah, the whole midtown was asked not to leave their places. So which was kind of scary. But overall I like it. And how long you've been living in Atlanta? I've been here. I'm 36 years old. So. Wow. So you never, after growing up here, you never planned to move out, or you always? I've been all over. Can just drop you at the corner. Yes, sir. Yeah, that's fine. Sure. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Be careful of the lift. So. Yeah. Wait, how do you get out? Seriously. Yeah. So click the button. There it is. Yeah. Oh, wait, sorry. On top. On the handle. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, have a great day. Oh, you too. Thank you. Sure. Yeah. Awesome. Yeah, you too. Thank you. चलो दूसरी राइड भी अच्छी रही. थोड़ा डर लगा, मतलब नए नए नाम सुनने को मिल रहे. चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन मिलता है हमको. और पीछे बंदा वेट कर रहा है. निकलो भाई. सो 2 trips कम्प्लीटेड. इसका हैंडल टेस्ला का हैंडल यूनिक है. ये हर एक को प्रॉब्लम आई कार में. और दूसरी लकीली कार साफ थी यार. आई एम सो ग्रेटफुल. हल्का सा मैट गंदा है पर लकीली कार इतनी गंदी नहीं थी जैसा मैंने सोचा था. चलो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. तो यार आई लव टॉकिंग टू पीपल. मज़ा आ गया कॉन्वर्सेशन करके. और मुझे 2 rides अच्छी रही. अभी और राइड्स भी करेंगे हम, पिकअप्स करेंगे. अभी प्रॉब्लम यह है कि SD कार्ड करप्ट हो गया था. वापस घर आया हूँ देखने के लिए कि डेटा रिकवर हो जाए. ये ट्रैफिक का हाल देख लो दोस्तों. टूरिस्टी दिन है, लॉन्ग वीकेंड है. ओह माय गॉश, वाओ, ये पूरा अटलांटा इधर आया हुआ है. इट्स सच अ बिग कैंप. इतना बुरा हाल ट्रैफिक का. इतनी क्यूट कार. वाओ. सो दिस इज माय अटेम्प्ट नंबर 2. तो वाकई मैं आपको बता देता हूँ कि यार उबर ईट्स मैंने पहले 2 trips की, काफी अच्छी रही. बहुत एंगेजिंग कस्टमर्स थे. पर रिमेम्बर कि यार कभी भी डर हो सकता है कि कोई आपके लाइक फोरहेड पे गन रख के आपसे गाड़ी वगैरह छीन सकता है. इस कारण मुझे बहुत डर लगता है अभी. हमेशा जब भी कोई पिकअप मैं करता हूँ मुझे बहुत फटती है. पहले SD कार्ड करप्ट हो गया, शायद थोड़ी बहुत फुटेज चली गई होगी. सो टाइम फॉर नेक्स्ट पिकअप. मैंने अभी अपना फेशियल रिकग्निशन से फेस दिखाया. एंड पिछले दोनों पैसेंजर्स ने मुझे 5-star रेटिंग दी. इट वॉज अमेजिंग. तो मेरी अभी 2 trips कम्प्लीटेड है एंड आई हैव 5-star रेटिंग. Good, how is your day going? Oh, it's okay. So do you study at George Tech? No. I'm long out of school. When I used to study at Georgia State as well, the parking was almost 3-4 miles away. Yeah, I believe it. It's crazy. It is insane. Are you from here? From Atlanta? I'm from New York originally. Oh, nice. Yeah. Do you like Atlanta so far? I do. I really do. It's pretty diverse. You know, it's affordable. There's a lot of things to do. The weather is always nice. Thank you very much. Yeah, sure. Yeah, nice meeting you too. Have a great day. You too. Yeah, make sure you didn't do anything. Yeah. No, I think I'm good. Awesome. Yeah, have a good one. Okay. Awesome. So, ये ride भी बहुत smooth थी यार, मजा आया. So, 3rd ride completed.
मेरे ऑनेस्टली पैर थक चुके हैं, अगर साइकिल चला रहा होता तो मैं इतना ना थकता, क्योंकि यार वर्कआउट भी हो जाता है तो यू फील हैप्पी कि तुमने साइकिल भी चलाया। मैं ऑडियो बुक भी सुन लेता हूँ साइकिल चलाते चलाते, क्योंकि मैं स्पीकर पे लगाता हूँ, मैं हेडफोन्स नहीं पहनता साइकिल चलाते वक्त, और ज़्यादा मज़ा आता है ऊबर ईट्स में साइकिल पे। पर कार में मेरे पैर भी थक रहे हैं, बिकॉज ऑटो पायलट में मैं चला तो सकता हूँ, पर ऑटो पायलट का क्या होता है कभी कभी, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू शॉक द पैसेंजर्स, उन्हें लगेगा कि मैं आराम से रिलैक्स करके खुद कैसे चल रही गाड़ी, तो उन्हें ऐसे सरप्राइज नहीं देना चाहता। कुछ लोग ऑटो पायलट से बहुत डरते हैं, पर आधा टाइम मैंने ऑटो पायलट पे एटलीस्ट ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल पे चलाई, पर फिर भी पैर थोड़े बहुत मेरे थकते यार। आई हेट ड्राइविंग, इस कारण उबर इज नॉट फॉर मी। हाय सॉरी आई मिस्ड द टर्न। हाय Yeah, have a great day. You too. चलो यार हो गया फाइनली ड्रॉप ऑफ। मैं मेरी बस हो गई भाई, एक घंटे से भी ऊपर हो गया। अगली ट्रिप ही यही है, बस मैं बंद कर रहा हूँ कंप्लीट उबर एक्स। कंप्लीट करने के बाद रिव्यू करते हैं ऑन देन ऑल सेट। मैं तो यार इतनी पर्सनल बातें लोग उबर में करते हैं, उबर में इतना कुछ आपको दुनिया की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनने को मिलता है। इट इज सो इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ यू नो गेटिंग इन टू समवन्स प्राइवेसी। मैं किसी की प्राइवेसी रिवील नहीं करना चाहता, पर आई एम जस्ट टेलिंग यू नो लेटिंग यू नो कि मतलब लोग दुनिया जहाँ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद मेरा प्लान तो कोई नहीं था एक और राइड करने का, आई वॉज टायर्ड, बट मुझे 2 मिनट वाली राइड मिली बिकॉज द पैसेंजर हैड एंटर्ड द एड्रेस विच वॉज ओनली 2 मिनट्स अवे, बट आफ्टर 2 मिनट्स दे सेड दिस इज नॉट आवर डेस्टिनेशन, कहते हमें कहीं और लेके जाओ, एंड दिस ride became 40 minutes long. So yeah, any preferences like Beyonce or anyone? Yeah, you can play Beyonce. Okay. तो देख रहे दोस्तों, मैंने अच्छे से गाने लगाए उनके लिए बियॉन्से के, बहुत मजा आया कॉन्वर्सेशन का, बट इट वॉज अ वेरी बैड ट्रिप जस्ट नाउ जो अभी खत्म हुई। 45 मिनट्स लगे, ऊबर ऐप मुझे कह रही थी कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर। वो मुझे किसी और लोकेशन में ले गए, जैसे इंडिया में हम करते हैं ना कि यार ओला वाले को कहते हैं कि ओला वाला आपको कहता है कि यार आप कैंसिल कर दो और मैं आपको वहां पे लेके चले जाऊंगा ताकि पैसे मुझे ज्यादा मिले। ड्राइवर आपको कहता है कि यार आप कैंसिल कर दो पैसेंजर को और मैं आपको उस जगह पे ले जाऊंगा और पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहाँ पे पैसेंजर ने मेरा काटा, मुझे कहते कि हम ने जो लोकेशन पहले डाली थी वो 2 मिनट दूर थी, कहते हम लोकेशन ऐप में चेंज नहीं कर पा रहे, आप मुझे 40 मिनट्स दूर लेके जाओ। मैं लेके गया, पता नहीं टिप कितनी देंगे, एंड उसके बाद वो कहते कि हम राउट चेंज नहीं कर पाए। मैंने कहा राउट चेंज करो अपना, मैंने बोला कि मैं वहीं पे छोड़ूंगा जहां पे लोकेशन कह रहे। कहते नहीं यार ये गलत बोल रहा है, पर मुझे जबरदस्ती 40 मिनट्स दूर लेके जाना पड़ा और कहते कि टिप ज्यादा देंगे, देखते क्या होता है। Goodbye to Uber for now. So finally अब घर। कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, पर हर धंधा कभी ना कभी चैलेंजिंग जरूर होता है। शायद आज Uber का मेरा वो चैलेंजिंग दिन था। कोडिंग में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कभी बाद में बताऊंगा। जैसे कि कभी कभी यार 3-4 दिन तक सो नहीं पाता जब एक कोड रन नहीं कर पाता, पर Uber की प्रॉब्लम ये है कि बैक थक जाती है यार, कितना बंदा बैठे। Hey, how was it? Was it fun? It was bad. One ride was really bad. Why? One ride was almost 40 minutes. It was expected to be 10 minutes. Someone took me to East Village of Atlanta where you asked me not to go. And people are really, but it's okay. They might give me more tip. Let's see how much money I make. But I think in 2 hours I made minimum $40. I'll show you the calculation as the tip aane mein 24 hours lagte hain. So I'll show you. But I think it should be more than 40 in 2 hours. But I thought you were going to be able to like pre-screen the destination and make sure you were going somewhere. I did back. Because that passenger first said they're going to X location. Then they didn't said no, I don't think so. It's right. They said no, take us to Y location. So it was much farther. So lesson learned, दोस्तों मैं जितने भी अटलांटा की उबर ड्राइवर से पूछता हूँ, I told them I am also Uber driver. So they tell me their earnings too, and they said they make $25 an hour average in Atlanta. And abhi New York mein they said 30-35. You may have seen my New York taxi driving video as well, who was making $200,000, above $200,000 more than software engineer. To maine socha main bhi try karta hu, is it actually true? But when I did it, so first pickup and drop off $4.85, second one $8, third one $7, and fourth one was $8. पर जो फिफ्थ वन था इसमें लिखा आ रहा है इंक्रीज, इट बिकेम 40 मिनट्स अगर आप ध्यान से देखोगे, बिकॉज उसने मुझे धोखा दिया। इट वॉज सपोज टू बी $5 ट्रिप, ये $10 इस कारण बने बिकॉज दे टुक मी टू समवेयर एल्स जहाँ पे ऐप में नहीं डाला। मैंने उन्हें बोला कि आप ऐप में जाके चेंज करो,
क्योंकि मुझे उतना पे नहीं मिलेगा, नहीं तो कहते हैं आप में काम नहीं कर रहा. तो मुझे पता नहीं था कि मैं खुद भी चेंज कर सकता हूँ उनका एड्रेस, बट आई डिड नॉट. मैंने उनकी बात मान ली. मैंने, वो मुझे कहते हैं कि हम टिप बहुत देंगे, पर रियलिटी में दे गिव जीरो टिप्स. इवन दो इसमें टेस्ला या फिर इलेक्ट्रिक कार के कारण $1 हर ट्रिप में ज़्यादा है, बट स्टिल इट्स लेस देन $40 फॉर 2-hour 20-minute ट्रिप. इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, घर से निकलना, घर से बाहर, घर तक पहुँचना, क्योंकि लाइक आई डिड इट इन अ वे कि मैं घर पहुँचूँ जब ट्रिप्स ख़त्म हो जाए. बट इट इज़ स्टिल नॉट अमेजिंग. ऊबर इट्स डिलीवरी से मुझे ज़्यादा टिप्स मिलती थी, यहाँ पे सिर्फ $1 टिप मिल रही है, ज़्यादा टिप नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके लिए भी $10 का ये ट्रिप होती है, तो इस कारण दे जस्ट बेयरली गिव टिप्स. पर जब आप खाना मंगवाते हो तो पीपल आर मोर जेनरस, सो दे गिव मोर टिप्स. सो द बेस्ट वे टू मेक मोर मनी थ्रू ऊबर इज आफ्टर यू गेट अप्रूव्ड फॉर एयरपोर्ट. जब मैं बाद में अगर करूँगा तब शायद मुझे $25-30 इनाम मिल सकते हैं. अदरवाइज इट इज़ रियली हार्ड अगैन टू बीट software engineering income. What do you think? Let me know in the comments below and I'll see you guys in the next one. I'm dealing with pressures. I know it's a lesson. That's word of the wise. Dubbing the mixes. I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time.